अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ जवेद। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरवाफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, एक नई प्रोडक्ट लेकर। तो हमें उम्मीद है आपको वो प्रोडक्ट बड़ी पसंद आने वाली है, चूंकि आगे मौसम जो है उससे रिलेटेड आ रहा है। तो सबसे पहले मेरी उन तमाम देखने वालों से, दोस्तों से गुजारिश है जो नए आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ बिल्कुल बेल आइकन का बटन बना रहा उसको प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशंस को, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके अलावा आप तमाम दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, और जिन्होंने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी वो भी देखें, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। और हम लोग इंशाल्लाह आप तक नई जो भी प्रोडक्ट्स आएंगी और जो मार्केट से जरा मुनफरिद होंगी उनको लाते रहेंगे, तो हमारे साथ रहिए जी। तो गाइस, आज की जो हमारी नई प्रोडक्ट है ये है एक बेडरूम साइज फ्रिज। बेडरूम साइज फ्रिज इसमें से आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं, चूंकि हम लोगों को पता है आगे वेदर जो है वो अब ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद चेंज हो जाना है, और लाहौर जैसे शहर के अंदर और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर गर्मी ज्यादा देर रहती है और सर्दी कम देर रहती है। तो चूंकि आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने में आ रहा है वो रूम साइज फ्रिजेस का है, मेजोरिटी लोग जो रूम्स के अंदर अब अपनी फ्रिज रखना शुरू हो गए हैं, ताकि कोई भी छोटी मोटी चीज, फल हो गए या और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, पानी वगैरह, वो कमरे के अंदर ही रखी जा सके। तो आज जो हम फ्रिज लेकर आए हैं, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ना तो ये चाइना मेड है ना ही ये पाकिस्तानी मेड है, ये मेड इन ईरान है, और इसकी जो क्वालिटी है वो 100% यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी हुई है, और ये बहुत ही एलिगेंट डिजाइन है। उसके अलावा अभी हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, और उसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है उसके बारे में भी आपसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे। उसके अलावा जो इसकी मार्केट प्राइस है वो बाकियों की निस्बत कितनी सस्ती है ये भी आपको बताएंगे, और इसकी वारंटी के बारे में भी बताएंगे, और हमसे लेने का क्या फायदा होगा वो भी आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने लगा हूं, आपको इसकी अनबॉक्सिंग देख के भी अच्छा लगेगा। जी तो दोस्तों, आपके सामने हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इसका नाम है ईस्ट कूल। ये बेसिकली आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे भी, ये मेड इन ईरान रेफ्रिजरेटर है, और बड़ी खूबसूरत एलिगेंट डिजाइन बनी हुई है। आप देख सकते हैं शाइनी सिल्वर इसका कलर है, बैक से भी ये ग्रे कलर की है, और आगे से ग्रे है, पीछे से जो है ये सिल्वरिश कलर दे रही है, और बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई है। और उसके अलावा इसकी अगर कैपेसिटी की मैं बात कर लूं तो ये 5 क्यूबिक फीट के अंदर है, और अगर हम इसको लीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 97 लीटर्स जो है इसकी कैपेसिटी बनती है। अगर मैं इसकी बिजली की बात करूं तो ये बहुत ही कम बिजली पे चलती है, आप इसको इन्वर्टर टाइप भी फ्रिज कह सकते हैं। ये टोटल 100 वाट्स कंज्यूम करता है इसका जो टोटली लाइट का कंजम्पशन है, तो 100 वाट्स कुछ भी नहीं है ये। आप अगर चाहें तो यूपीएस के ऊपर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अगर आप इसको एम्पेयर्स के अंदर, कुछ लोग पूछते हैं कि यार नहीं एम्पेयर में बताएं कितने एम्पेयर बिजली लेगी, तो ये ऑलमोस्ट आपकी 0.3-0.4 एम्पेयर बिजली लेती है, जो कि बिल्कुल माइनर सी है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूं, अगर आप कंपेरिजन करते हैं वाटर डिस्पेंसर के साथ, तो वाटर डिस्पेंसर इससे ज्यादा लाइट लेता है, ये वाटर डिस्पेंसर से कम लाइट लेती है। इसकी ये खूबी है, इसके अंदर इंपोर्टेड इटालियन थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और उसके अलावा जो इसका कंप्रेसर है वो भी मेड इन ईरान है। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात कर लूं वारंटी की, तो इसका वारंटी पीरियड जो है वो है कंप्रेसर का 10 ईयर्स और पार्ट्स का 1 ईयर। 10 साल आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है इसके साथ, जो कि आई थिंक सो कि 10 साल फ्रिज जो चल जाता है
वो एक बहुत अच्छा और कामयाब रेफ्रिजरेटर है। और अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो बहुत मजबूत और बहुत अच्छी बॉडी जो है इसकी, फाइन क्लास बॉडी जो है वो बनाई गई है। और उसके अलावा ये अगर आपकी लाइट चली जाती है तो 12 से 15 घंटे तक इसके अंदर टाइम होता है जो अपने अंदर पानी, अपने अंदर जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है अपनी फ्रिज के अंदर। और उसके अलावा जो, अब मैं अगर आपको इसकी इनर साइड खोल के दिखाऊं तो वो भी आपको बड़ी खूबसूरत और अच्छी नजर आने वाली है। ऊपर से हैंडल है इसका, इसको खोलने के लिए अक्सर बार लोग कहते हैं सामने हैंडल होना चाहिए, तो हैंडल जो है इम्पोर्टेंट में अगर आप जाएंगे तो वो ज्यादातर नहीं होता, उसकी रीजन ये होती है उस हैंडल के उतरने के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंट फ्रिज आएंगी इनकी ऊपर की तरफ हैंडल होती है और वो हैंडल यहाँ से खुलेगा। बहुत ही फाइन क्वालिटी आप देख सकते हैं, गैस किट इसके अंदर लगी हुई है। हमारे पाकिस्तान में रेफ्रिजरेटर के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये गैस किट का होता है कि सबसे पहले फ्रिजों के अंदर ये गैस किट जो है वो खराब होती है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेड यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन क्वालिटी के हिसाब से मैयर रख के ये किट लगाई गई है। अब मैं अगर बात करूं तो आप अपनी कोई भी लोकल फ्रिज उठा के देख सकते हैं, उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती। इसके अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने अंडों की स्पेस आपको अलग दी हुई है। इसके अंदर इन्होंने आपको जो आपका कोई कैचअप या ऐसी कोई भी सामान, जैम वगैरह, उसकी स्पेस इन्होंने सेपरेटली आपको दी हुई है। उसके अलावा अगर बोटल्स का आप देखें तो यहाँ पे इसके अंदर पूरी 1.5 लीटर की बोतल आ सकती है। मेरे पास अभी बोतल अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बोतल रख के दिखाता। यहाँ पे 1.5 लीटर की कंप्लीट एक बोतल आ सकती है, जो कि कम से कम इसके अंदर जो है 2 से 3 बोतल इजीली आप रख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर की, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर वेजिटेबल बॉक्स दिया हुआ है जो कि ऊपर से कवर है। और आप अगर चाहें तो इसको, अगर आपके पास कोई इसका यूज नहीं है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, तो आप इसको यहां से निकाल के ज्यादा भी कर सकते हैं और इस स्पेस को इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रूम साइज है तो इसके अंदर बेस्ट वे यही है कि आप इसका जो ये हिस्सा है वेजिटेबल बॉक्स या फ्रूट बॉक्स उसको यूज करें। इसकी क्वालिटी ये है कि ये उसको ऊपर कैप दिया है, फिल्टर कैप, जो कि इसको 24 आवर्स तक आपके फ्रूट्स को फ्रेश रखता है इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो इसके अंदर जो दिया गया है ये ग्लास की एक शेल्फ दी गई है जिसके ऊपर आप टेम्पर्ड ग्लास है, कोई भी चीज रख सकते हैं, भारी भी रख सकते हैं, हल्की भी रख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके अलावा इसके अंदर उसमें 3 शेल्फ्स कंट्रोल्स दिए हुए हैं। आप इस शेल्फ को अगर नीचे करना चाहें नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर करना चाहें ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको जिधर रखना चाहें। इसके अंदर 3 शेल्फ कंट्रोलर्स हैं, 1, 2, 3, आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जिधर आपका दिल चाहे। उसके अलावा इसके अंदर आइस बॉक्स भी दिया हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितनी लोकल रेफ्रिजरेटर्स देखेंगे उसके अंदर आइस बॉक्स नहीं होता, कूल बॉक्स होता है। और वो कूल बॉक्स जो है बेसिकली बर्फ नहीं जमाता, बहुत माइनस ही जो है ना फ्रीजिंग जितनी टेम्परेचर करता है। लेकिन जो इसके अंदर दिया हुआ है ये आइस बॉक्स दिया हुआ है। इस आइस बॉक्स का आपको ये फायदा होता है कि आपकी, आप जितनी बर्फ बनाना चाहें इसके लिए इजीली इसके अंदर बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक लैंप लाइट भी दी हुई है जो कि आपकी जब जैसी फ्रिज बंद होगी तो ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आप फ्रिज खोलेंगे ऑन हो जाएगी। तो ये भी लोकली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या चाइना की जितनी रेफ्रिजरेटर्स आती हैं उनके अंदर ये फंक्शन नहीं होता, कुछ के अंदर होता है कुछ के अंदर नहीं होता। उसके अलावा ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है, 1 सेंटीग्रेड से लेकर 7 सेंटीग्रेड तक इसके अंदर टेम्परेचर है और आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी फिनिशिंग सारी देख सकते हैं, कहीं से कोई चीज पुटीन या जैसा हमारी लोकल रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है आप अक्सर देखते हैं कि जहां पे जोड़ लगा होता है वहां से अक्सर पुटीन जो है वो बाहर आई होती है, तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन क्वालिटी और हर तरफ से एक बराबर ये बनी हुई है। तो ये इसकी अंदर की इंटरनल सारी बातचीत थी, बाहर की जो इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर 3 कलर्स अवेलेबल हैं, एक ये सिल्वर टोन में कलर आता है, एक ब्लैकिश ग्रे कलर आता है, एक ब्लैक कलर आता है और एक व्हाइट कलर, सॉरी 4 कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इन चारों कलर में से आप जो कलर चाहें वो आपकी च्वाइस है, आप वो बाय कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी प्राइस की तरफ आ जाऊं तो मार्केट में 5 क्यूबिक फीट की जो भी कंपनीज बना रही है
उसके अंदर काफी सारी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज बना रही है, मैं कंपनीज का नाम तो नहीं लेता, आप अगर उनकी 5 क्यूबिक फीट की फ्रिज देखेंगे तो वो 28,000-30,000 रुपीज के करीब है। तो इसके अलावा अगर आप चाइना मेड फ्रिज भी लेते हैं, वो भी 30-32 हजार रुपए की रेंज के इर्द गिर्द घूम रही है, और उनकी वारंटी भी 1 साल होती है, और वो जिस क्वालिटी में बनी होती है हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आपको मार्केट रेट मिलेगा, जो मार्केट में किसी के पास मिलती है, तो वो आपको मार्केट में कॉस्ट करेगी 28,000 रुपीज के करीब। लेकिन अगर आप ब्राइट हाउस से इसको बाय करते हैं, उसका आपको फायदा ये मिलेगा कि ये हम आपको देंगे 25,000 रुपए के अंदर विद डिलीवरी लाहौर के अंदर। आप किसी भी एरिया के अंदर अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे लाहौर में किसी भी एरिया में, हम आपको सेम डे में डिलीवरी देंगे। सबसे बड़ा फीचर ये हमारा एक जो कस्टमर्स को पसंद है कि हम सेम डे में डिलीवरी करते हैं, 2-4-5 दिन बाद नहीं करते, सेम डे में आपको डिलीवरी मिलेगी। हमारा लड़का वहां जाके आपको खोल के बकायदा चेक करवा के, कूलिंग चेक करवा के देन वापस आएगा। अगर यूनिट में कोई फॉल्ट होता है तो उसी को चेंज हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताता चलूं, इस फ्रिज के अंदर कोई फॉल्ट आ भी नहीं सकता। उसकी रीजन ये है, चूंकि ये फ्रिज 3 तरह के मुख्तलिफ क्वालिटी चेक अवार्ड याफ्ता कंपनी है। ये इस कंपनी को जो ईरान का क्वालिटी चेक बेस्ट चेक क्वालिटी चेक अवार्ड है वो भी मिला हुआ है, उसके अलावा यूरोपियन स्टैंडर्ड का तो बेस्ट क्वालिटी चेक अवार्ड है वो भी मिला हुआ है, और उसके अलावा ISO जो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है, उससे भी ये अप्रूव्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की ऐसी कोई आप टेंशन ना ले, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा भी इसकी 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी जैसा कि मैंने बताया है वो भी है, और उसके अलावा 1 ईयर इसकी पार्ट्स वारंटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा ये 170 वॉट से लेकर 240 वॉट तक चल सकती है, मतलब अगर आपके पास लाइट कम भी आती है तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर टाइप फ्रिज है, ये 170 वॉट से लेके 240 वोल्टेज तक ये काम कर सकती है बगैर किसी परेशानी की। तो मैं उम्मीद करता हूँ गर्मियां आने वाली हैं और लोगों को बहुत सख्त इसकी जरूरत होती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स या जो हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप तो इसको मंगवाना चाहते हैं, वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर चूंकि हमारी अपनी आउटलेट भी है, तो आप खुद आके लेना चाहें तो खुद आके भी इसको हमारी शॉप से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाहौर के अंदर हमारी फ्री डिलीवरी भी है, अगर आप हमें ऑर्डर करें तो हम आपके घर भी इसको जाके आपको डिलीवर कर सकते हैं, तो वो आपकी च्वाइस है। आउट स्टेशन से भी अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो वो भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, हमारे पास आउट स्टेशन के लिए भी सोर्स अवेलेबल है, हम आउट स्टेशन भी इसको डिलीवर करवा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों से कि हमारी आज की प्रोडक्ट भी आपको अच्छी लगी होगी और इसका प्रोडक्ट रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। और मैं अगेन जाते जाते आपको बताता चलूं, ये ईस्ट कूल इसका नाम है और ये मेड इन ईरान है, ना मेड इन चाइना है और ना ही ये मेड इन पाकिस्तान है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने पहले शुरू में भी बताई हैं, एंड में भी बताई हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछेंगे कि यार मतलब इसमें क्या खासियत है जो आपने इसको दिखाया। तो इसकी खासियत ये थी कि ना तो ये चाइना मेड है ना पाकिस्तान मेड है, उसके अलावा जो क्वालिटी है इसकी वो हम दोनों कंट्री से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जो लोग ईरानी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको ये बाखूबी इलम है कि ईरान जो क्वालिटी बनाता है वो 100% यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। तो मैं तमाम दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, मुझे उम्मीद है हमारी आपको हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगेन तमाम नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है एक तो हमारी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज, और नंबर टू ये कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।